करेगा कि कवियों को क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या गाना चाहिए, ये कवि ही तो तय करेंगे। स्वतंत्रता तो सबकी स्वतंत्रता है, तो फिर सबकी स्वतंत्रता का ही सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे रफ्तार के साथ, अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देख लेते हैं, गोरखपुर से ये खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद को 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। सांसद कमलेश पासवान को 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट की वजह से, कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। जनवरी 2008 का ये मामला है, और इसी मामले में MP MLA कोर्ट में केस चल रहा था, और अब अदालत ने इन्हें 1.5 साल की सजा सुना दी है। चक्का जाम किया था इन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर, और इसी मामले में सुनवाई चल रही थी, और अब इनको 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। कमलेश पासवान है, गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने फिलहाल निजी मुचलके पर छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त गोरखपुर से, बीजेपी सांसद कमलेश पासवान, जिन्हें 1.5 साल की सजा MP MLA कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। 2008 का ये मामला है, जनवरी 2008 जब इन्होंने चक्का जाम अपने समर्थकों के साथ किया था, बवाल उस दौरान मच गया था, और उसी दौरान कमलेश पासवान के खिलाफ मामला दाखिल हुआ था, MP MLA कोर्ट में शिकायत गई थी, और अब 1.5 साल की सजा। पासवान का कहना है कि वो अपील करेंगे, आगे अपील करेंगे, फिलहाल निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया गया है।